हेलो YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने बनाई है शाही टुकड़े की रेसिपी और ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है, खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी थी। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। मैंने लिए है टोस्ट, मैंने ब्रेड नहीं ली है, और मिल्क पाउडर, दूध, मलाई ली है, चीनी ली है, कॉर्नफ्लोर लिया है, इलायची पाउडर लिया है और फूड कलर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैंने इसमें 2 गिलास पानी भरकर डाल दूंगी। अब बनाते हैं चाशनी। ये मैं दो कटोरी भरकर इसमें चीनी डाल दूंगी और इसको कर लूंगी अच्छे से मिक्स। ये देखिए, मैंने 2 कटोरी चीनी डाल दी है, इसको मिक्स कर लूंगी और इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी। यूँ तो फ्रेंड्स ब्रेड से बनती है और वो असली घी में डीप फ्राई होती है, लेकिन अगर जो ना खाना पसंद करे तो वो इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, मैं अब इसमें फूड कलर डाल दूंगी और कर लूंगी इसको अच्छे से मिक्स। और इसको हमें जब तक उबालना है जब तक ये चिपचिपा ना हो जाए। ये देखिए, हमें इसे 5-10 मिनट अच्छे से उबाल लिया था और ये चिपचिपा हो गया है। धीमी आंच पे पकाया है हमने इसको। ये देखिए, अब आप इसे साइड में रख देंगे और मैं कढ़ाई रख लूँगी, बनाएंगे रबड़ी। मैं 1 कप दूध डाल दूँगी इसमें, और जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूंगी मिल्क पाउडर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मिल्क पाउडर। ये डाल दूंगी मैं और इसको कर लूंगी अच्छे से मिक्स। मिल्क पाउडर से और मलाई से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रबड़ी में। ये देखिए, मैं मलाई भी डाल दी है। यूँ तो आप दूध को ही पका के रबड़ी बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर इंस्टेंट बनाना है तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको पका ली हूँ अच्छे से, ये काफ़ी पक चुका है। अब डाल दूंगी मैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। और कर लूँगी अच्छे से मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी चीनी, आप ना भी डाले तो भी चलेगा। सिर्फ मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी ही डाली है, थोड़ी सी हल्की सी मिठास के लिए। अब मैं डालूंगी इसमें कॉर्नफ्लोर, जिससे आपकी रबड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ले ली है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें पानी डाल के इसका घोल लूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और धीरे धीरे कर मैं इसमें डाल दूँगी। एक साथ नहीं डालनी है, धीरे धीरे करके डाल दीजिए। मैंने ये 3 बार में डाला था और चेक करते रहिए कितनी गाढ़ी रखनी है आपको। इसको कंटिन्यू चलाते रहें वरना ये नीचे लग जाएगा फ्रेंड्स। और इसे धीमी आंच पे पकाते रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। मैंने काफ़ी देर तक इसको पकाया था, हमें ऐसी ही चाहिए थी। ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब बस क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। ये मैंने घी में भून लिए थे, बादाम भी मैंने फ्राई कर लिए थे और काजू भी। मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी इसमें, थोड़े से ही डालूंगी। कर लूंगी मिक्स। तो अब इसको कर लेंगे ठंडा। तो देखिए, हमारी चाशनी हल्की ठंडी हो चुकी है। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये टोस्ट। जो फ्रेंड्स ये सोचते हैं ना कि घी में डीप फ्राई करना पड़ेगा, चलो इतना हैवी हो जाएगा, नहीं बनाते हैं, तो आप इस तरह से बनाइए। ये हैवी भी नहीं होगा और टेस्ट में भी बेस्ट होगा। आप इस तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, मैं इनको डुबा दूंगी इसमें, ये चाशनी अच्छे से सोख लेंगे। एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड, चाशनी ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होगी, होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, अगर ज़्यादा गर्म होगी तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, टोस्ट ने चाशनी सोख ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगानी है लेयर। मैं ये लेयर लगा दूंगी और फिर इसके ऊपर रबड़ी डालूंगी, फिर लेयर लगाऊंगी और फिर रबड़ी डालूंगी। बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो ब्रेड से तो बनाते ही हैं, तो एक बार टोस्ट से भी बनाकर ट्राई करिएगा। देखिए मैं एक्स्ट्रा चाशनी निकाल दूंगी और अब लगाऊंगी मैं इस पे रबड़ी की लेयर। ये देखिए हमारी रबड़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, जैसी हमें चाहिए थी। और मिल्क पाउडर से और मलाई से तो इसका टेस्ट और भी दुगना हो गया है। ये देखिए मैंने दूसरी लेयर भी लगा दी थी उसके ऊपर। अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक दो चम्मच में देसी घी डाल दूँगी। इसमें फ्लेवर वैसा ही आएगा जैसे ब्रेड में वाली में आता है जो डीप फ्राई की जाता है। ये देखिए अब मैं रबड़ी की लेयर, दूसरी लेयर लगा दी है। अब बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास रखे हुए थे, थोड़ा से बचे हुए, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम से तैयार है और मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए और फिर करूँगी मैं इसको इंजॉय। तो कैसी लगी आपको मेरी शाही टुकड़े की रेसिपी, तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो में इतना टाइम दिया। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय यूट्यूब फैमिली।